आनंद मोहन की बढ़ सकती है मुश्किल। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। क्या आनंद मोहन को फिर जाना पड़ेगा जेल? आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार के राजनेता आनंद मोहन सिंह की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार के गोपालगंज में तैनात आईएएस जी कृष्णैया हत्या मामले में उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने आरोपी बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। कृष्णैया ने मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट के फैसले को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने और आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के आदेश के तुरंत बाद उमा कृष्णैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, बिहार के सीएम की ओर से इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जदयू के पूर्व सांसद आनंद मोहन पर डीएम की हत्या का आरोप था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएम जी कृष्णैया पर उस वक्त हमला हुआ जब उनके साथ सरकारी गनर मौजूद थे। भीड़ ने अचानक डीएम के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उस वक्त आनंद मोहन ने डीएम के साथ मारपीट के लिए भीड़ को उकसाया था। मामले में आनंद मोहन की अब रिहाई हो चुकी है, जिसका अब आईएएस का परिवार विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन को 27 अप्रैल की सुबह जेल से रिहा कर दिया गया था। आनंद मोहन एक आईएएस की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में ये सजा आजीवन कारावास में बदल गई थी। आनंद मोहन को ना तो हाई कोर्ट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नीतीश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गए हैं। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने वाले जेल नियमों में संशोधन के बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई है। गौर हो कि आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई पर 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए थे। बुधवार को ही उन्होंने सरेंडर किया था। अब अचानक उनकी इस तरह से रिहाई के बाद ये माना जा रहा था कि जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग सकता है, उनका स्वागत किया जा सकता है और मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हो सकते हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए रिहाई को गुपचुप तरीके से करवाया गया। जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन कहां गए, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।